आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सर ये कौन से ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं? बेटा ये ऑर्गेनाइजेशंस वो होते हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि एज ए सोसाइटी को एज ए होल ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बने हैं। ठीक, देखो क्या लिखा है, विच आर एस्टैब्लिश्ड फॉर अ चैरिटेबल और सोशल पर्पस। या तो ये चैरिटेबल पर्पस के लिए बने हैं या ये सोशल पर्पस के लिए बने हैं। ठीक है, विजिबल है बेटा। एंड नॉट विद ए व्यू टू अर्न प्रॉफिट, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक, तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता वो एनपीओस में आते हैं। इनके एग्जांपल्स आप सुन लीजिए बेटा, दे इंक्लूड स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पब्लिक लाइब्रेरीज, क्लब्स, ठीक है, लिटरेरी सोसाइटीज, क्लब्स वगैरह होते हैं, सोसाइटीज हैं, स्पोर्ट्स एसोसिएशंस जितने भी हैं, और ये सब एग्जांपल्स हैं एनपीओस के, क्योंकि इनमें से बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और सोसाइटीज हैं वो बिल्कुल नॉन प्रॉफिट बेसिस पर चलती हैं। उनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनका एम अपने पर्टिकुलर एरिया में अपने पर्टिकुलर जो उनका एम है उसके हिसाब से वो सर्विस प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, कॉलेज प्रोवाइड एजुकेशन, हॉस्पिटल्स रेंडर मेडिकल सर्विसेज, ठीक, एंड लिटरेरी सोसाइटीज होती हैं, वो डिबेट्स ऑर्गेनाइज करती रहती हैं, ठीक, सेमिनार्स, ये सब चीजें चलती हैं। ये क्या काम करती है, इससे हमारा कनेक्शन नहीं है बेटा। हमें ये देखना है कि इनके अकाउंट्स हम कैसे बनाएंगे। थ्योरी वगैरह सब देखेंगे बाद में बेटा, क्योंकि हमारा मेन मोटिव फिलहाल अकाउंटिंग सीखना है। थोड़ा सा डिफरेंस स्टडी करते हैं, अकाउंटिंग सीखना थोड़ा आसान हो जाएगा। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप कंपनी, जितने भी हमने बिजनेस स्टडी किए हैं, जितने बिजनेस की स्टडी की है, जितने टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं उनकी स्टडी, उनका और इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका डिफरेंस हम एक बार कर लेते हैं। मैं अगर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मैं सिर्फ उसी डिफरेंस को स्टडी कर रहा हूं जो हमारा अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंस नंबर 3 और 4, जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो बनाते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, आपने देखा ये। लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या बनता है? एक तो बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बताऊंगा सब कुछ बताऊंगा, टेंशन ना लो। एक बनता है बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक बनती है बैलेंस शीट। ठीक है बच्चा, तो ये जो चीजें बनती हैं बेटा कैसे बनती हैं आगे सब चलेगा। जो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उसी का सब्स्टिट्यूट यहां पर बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको मिलता था प्रॉफिट या लॉस, लेकिन हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर मिला है सरप्लस या डेफिसिट। ठीक है, सरप्लस या डेफिसिट हमको मिला है बेटा। ठीक, अभी सिखाएंगे क्या होता है सरप्लस डेफिसिट, टेंशन ना लो। पहला अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा आपसे। पहले इसको सीखेंगे, इसका फॉर्मेट देखेंगे, अच्छे से उसको तैयार करेंगे बेटा।
आपको मालूम है कैश बुक के बारे में, पूरे ईयर आप कैश बुक बनाते गए, हर महीने हर हफ्ते जैसे भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उस हिसाब से कैश बुक के टर्म बन जाते हैं कि कैश बुक आप हर महीने बनाएंगे या हर हफ्ते बनाएंगे या हर 15 दिन में बनाएंगे या हर 3 महीने बनाएंगे, जैसा भी होगा। जितनी भी कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन हैं, सपोज क्लब को चैरिटी मिली, क्लब को चैरिटी ऐसे से मिली, एक बार तो 100 रुपए मिले, किसी दूसरे महीने में मिले 200 रुपए, फिर किसी और मंथ में हमको 800 रुपए मिल गए बेटा, फिर किसी मंथ में हमको 100 रुपए मिल गए, फिर हमें 1,000 रुपए मिल गए। तो मैं समराइज करके बताता हूं कि मुझे पूरे ईयर में कितनी चैरिटी मिली, टोटल करते हैं बेटा, दिस इज 2,200। ये क्या है? सब चैरिटी है टोटल। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जब मैं रिसिप्ट साइड में, क्योंकि आपको दिख ही रहा है एक रिसिप्ट और एक पेमेंट, तो एक इसमें एक साइड होती है रिसिप्ट साइड, तो रिसिप्ट साइड में मैं लिखूंगा कि मुझको चैरिटी मिली है पूरे साल में इन टोटल 2,200। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? समरी है, समरी। ये ट्रांजैक्शंस का लेजर पोस्टिंग नहीं है, क्योंकि जब हमें चैरिटी मिला था, सपोज अप्रैल में चैरिटी मिला है, मई में मिला है, जुलाई में मिला है, जनवरी में मिला है, फरवरी में मिला है, तो मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हर महीने नहीं बना रहा हूं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बनाता हूं साल के एंड में, और मैं वहां पर लिखता हूं टोटल मुझे पूरे साल के दौरान कितनी चैरिटी मिली। तो उसे बोल इसलिए बोलते हैं कि समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। जितना भी आपको कैश रिसिप्ट हुआ, जितना भी आपका कैश पेमेंट हुआ, उन सब की समरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। ठीक है, लिखा हुआ है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, और बनता किस चीज से है? कैश बुक से बनता है। जो पूरे साल की कैश बुक्स में जितनी भी रिसिप्ट होंगी, एक नाम की एक नेचर की रिसिप्ट को सारा इकट्ठा एक हेड में दिखाएंगे, फिर दूसरे नाम की चीजों को दूसरे हेड में दिखाएंगे, तो समराइज हो जाता है बेटा। दीज आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन क्रोनोलॉजिकल, यानी कि डेट वाइज चलते हैं, एक के बाद एक तारीख लिखी जाती है, तारीख पे तारीख। ठीक है, अब मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का आपको फॉर्मेट बताऊंगा बेटा। थियोरिटिकल स्पेसिमेन यानी कि फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेटा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट समझने के लिए मुझे साइड में आना पड़ेगा, मैं साइड में आ गया, और हो सके तो थोड़ा सा पिक्चर और एनहेंस हो जाए बच्चों की, यस बच्चों को फैसिलिटी मिल गई, पिक्चर थोड़ी और एनहेंस हो गई, मुझे लगता है कि अब आपको फॉर्मेट थोड़ा सा और क्लियर हो रहा है। ये फॉर्मेट आपको पूरा का पूरा रूल कॉपी में एज इट इज कॉपी करना है बेटा, एज इट इज, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको रूल कॉपी में एज इट इज कॉपी करना है। मैं समझाता जाऊंगा, क्योंकि ये समरी ऑफ कैश बुक है, जितने भी कैश बुक्स पूरे साल में बनाते हैं उन सबकी समरी है, तो ऑब्वियस ही बात है साल की शुरुआत में हमारे पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कितना था वो सब यहां पर आ गया बेटा। ठीक, कुछ मैं अभी रिसिप्ट साइड की बात कर रहा हूं, ये सब्सक्रिप्शंस, सब्सक्रिप्शन यानी कि क्लब को कितना चंदा मिला। ये जो सब्सक्रिप्शंस होता है ये क्लब की इनकम का सबसे बड़ा पार्ट है, मेजर पार्ट है। ठीक है, जो सब्सक्रिप्शन दो तरह का होता है, हमें पब्लिक से मिल जाता है, प्लस जो क्लब के मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स, ठीक, मेनली मैं उसी की बात कर रहा हूं, तो जो क्लब के मेंबर्स होते हैं बेटा, क्लब के मेंबर्स क्लब में अपनी मेंबरशिप जारी रखने के लिए जो एनुअल, मंथली, हाफ ईयरली या लाइफ टाइम जो भी सब्सक्रिप्शंस देते हैं वो सब ये होता है, जो भी वो पैसा देते हैं उसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शंस। ठीक है बेटा, ये क्लब की इनकम का मेन सोर्स है बेटा। क्लब की इनकम का दूसरा मेन सोर्स है डोनेशन, डोनेशन, ठीक, डोनेशन, किसी भी चीज के लिए मेरे को डोनेशन मिल सकता है, तो क्लब को डोनेशन मिलते रहते हैं, सोसाइटीज को, चैरिटीज
चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन मिलता रहता है। लीगेसी, जब कोई आदमी अपनी वसीयत में कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद, कोई पैसा क्लब के नाम कर जाता है तो वो लीगेसी होती है, ये भी क्लब की रिसिप्ट हो गई, पैसा आ रहा है। एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप, जो लाइफ मेंबर्स होते हैं बेटा, लाइफ मेंबर्स वो लाइफ में एक ही बार पैसा देते हैं मेंबरशिप बनाने के लिए, तो उनकी फीस को लाइफ मेंबरशिप फीस बोल देते हैं, ठीक है। एंडोमेंट फंड, जब कोई आदमी किसी पर्टिकुलर सोर्स से होने वाली रेगुलर इनकम को क्लब के नाम एंडो कर देता है कि वो इनकम पर्टिकुलर टाइम तक क्लब को मिलती रहेगी, तो वो एंडोमेंट फंड हो गया, ये भी रिसिप्ट है क्लब की। डोनेशन, एक तो सिंपल होता है कि हमने क्लब को डोनेशन दे दिया, क्लब बहुत अच्छे काम कर रहा है। एक होता है कि डोनेशन हमने स्पेसिफिकली बिल्डिंग बनाने के लिए दिया है कि भाई आप बिल्डिंग बना लो या एसी लगा लेना बिल्डिंग में, या आप क्लब में ऐसा करो गार्डनिंग मेरी तरफ से हो गई, मैं आपको 10 लाख रुपए डोनेट करता हूं, उस तरीके से करके, चाहे बिल्डिंग के लिए मिले चाहे सिंपल मिले, लेकिन क्लब को तो मिल ही रहा है ना पैसा, तो क्लब के लिए रिसिप्ट हो गई बेटा। टूर्नामेंट फंड, क्लब ने टूर्नामेंट करवाना है उसके लिए फंड, उसका फंड बनाया, फंड के लिए पैसा मिला, ठीक। क्लब में डिफरेंट डिफरेंट तरह के अलमीरा हैं, लॉकर्स हैं, लॉकर्स अपने मेंबर्स को किराए पे देते हैं, ठीक। तो उसका किराया जो आता है वो भी हमारे शिफ्ट हो गई। क्लब ने कहीं कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो वहां से इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड आता है, क्लब ने दूसरी कंपनियों के शेयर में पैसा लगा रखा है वहां से डिविडेंड आता है, ये सब रिसिप्ट है। क्लब ने अपनी कोई पुरानी एसेट बेच दी, पैसा आ गया। क्लब ने न्यूज़पेपर जो क्लब में आते हैं, पीरियडिकल्स यानी कि मैगजीन्स वगैरह जो आती हैं, मैगजीन्स, इंडिया टुडे, स्पोर्ट्स स्टार और कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, इस तरह की मैगजीन्स अगर क्लब में आती हैं पढ़ते हैं, वैसे बड़े यूजफुल होते हैं, न्यूज़पेपर बड़ा यूजफुल होता है, पढ़ना चाहिए आप सबको भी, लेकिन पढ़ने के बाद बहुत लॉन्ग टाइम तक इनको संभाल के नहीं रखा जाता, अल्टीमेटली उनको इकट्ठा किया जाता है और रद्दी में उनमें से इंपॉर्टेंट चीजें निकाल ली जाती हैं, या उनकी कटिंग निकाल ली जाती है, या उनको नोट कर लिया जाता है, और बाकी चीजें इकट्ठी करके उनको पुराने सामान वाले को बेच दिया जाता है। उनको बेचने से जो पैसा मिलता है वो भी आपके रिसिप्ट है, वो भी रिसिप्ट में आएगा बेटा। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो यानी कि क्लब ने कोई चैरिटी चैरिटेबल शो कराया, जब भी कोई शो कराते हैं, ठीक, तो उसके लिए हमको उस चैरिटी शो के अंदर हमने कुछ टिकट्स रखी हैं, चाहे वो सस्ते रेट पे रखी हैं लेकिन कुछ टिकट का प्राइस रखा है हमने, ठीक। उसके अंदर हमने जो स्टॉल लगाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट शॉपकीपर्स को इनवाइट किया, उनसे हमने कुछ चार्ज ले लिया, ठीक है ना। तो उस शो से किसी भी तरह की कोई भी इनकम होगी वो सब प्रोसीड्स में आ जाएगी। प्रोसीड्स का मतलब पैसा मिलना। डिविडेंड रिसीव्ड, ये ऊपर भी आ चुका था यहाँ भी आ गया, तो रिपीट लिखने की नीड नहीं है आपको। इंटरेस्ट रेट ऊपर भी आ गया था नीचे भी आ गया, नो नीड। मिसलेनियस रिसिप्ट, किसी भी और तरह की रिसिप्ट होगी वो सब इसमें आ जाएंगे। गवर्नमेंट से हमको ग्रांट मिलता है, बहुत मेन रिसिप्ट है, गवर्नमेंट से भी हमको ग्रांट मिलता है अगर हम गवर्नमेंट के कुछ टास्क को पूरा करते हैं, सोसाइटी के टास्क को पूरा करते हैं। अभी आपको शायद याद होगा कि पीछे रोटरी क्लब ने पल्स पोलियो मिशन को अपने हाथ में लिया, और आपने देखा होगा जगह जगह पर येलो या लाइट ग्रीन कलर के कोट पहने लोग मिल जाते थे, डॉक्टर, नर्सेस, हेल्पर्स, जो पल्स पोलियो की ड्रॉप पिलाते थे बच्चों को, ठीक है। तो रोटरी क्लब ये काम कर रहा था, बहुत अच्छा काम था, और पोलियो का पूरा इरेडिकेशन इससे हो गया। गवर्नमेंट इसी टास्क के लिए ग्रांट देती है, आप सोसाइटी के लिए कोई काम करते हैं तो आपको भी उससे ग्रांट मिल सकती है, आपको सोसाइटी डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है ना, एनपीओ बनाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट से जो भी ग्रांट मिलती है वो भी रिसिप्ट है, यहाँ पे आएगी आपको। क्लब ने, सोसाइटीज ने, उनका एक हॉल है वो किराए पर देते रहते हैं, ठीक, पार्टी फंक्शन के लिए, क्योंकि क्लब को डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से इनकम जनरेट करनी है ताकि वो जिस पर्पस के लिए वो बनाए उन पर्पस में वो खर्चा कर सके, नॉट फॉर द प्रॉफिट मेकिंग पर्पज, ओनली फॉर द सर्विस मोटिव। रेंट रिसीव्ड, इनकम होती है ये भी इधर आगे बेटा, ठीक। इन इनकम्स में रिसिप्ट में कुछ खास बात है बेटा, आपको रिसिप्ट को पढ़ते हुए दो बातें ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी रिसिप्ट ऐसी हैं जो रूटीन नेचर की हैं
और कौन कौन से रिसिप्ट ऐसी हैं जो रूटीन नेचर के नहीं है, बल्कि वो पैसा लेना तो वो तो सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक, यानी कि वो हमारी रूटीन रिसिप्ट नहीं है, ठीक, उनको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और जो रूटीन रिसिप्ट होती हैं उनको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे कि सब्सक्रिप्शन, अगर नॉर्मली आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो हर साल मिलता है या हर महीने मिलता है, तो ये हो गई आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बेटा, ये हो गई बेटा आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट। डोनेशन रिवेन्यू रिसिप्ट। लीगेसी ये रूटीन में नहीं मिलती है, जनरली मैं इसको ये मानता हूं कि ये एक बड़ी प्रॉपर्टी होती है। ऐसा नहीं है कि रूटीन में लोग अपनी वसीयत लिखते रहेंगे और वसीयत अप्लाई होती रहेगी, ये सालों साल का इयर्स में एक आधी बार होता है, तो इसे मैं कैपिटल रिसिप्ट मानूंगा। और ये बड़ी प्रॉपर्टी के रूप में ज्यादातर मिलता है, इसलिए भी ये एसेट का पार्ट, लायबिलिटी का पार्ट बन जाता है, क्योंकि हमको कहीं से पैसा मिला है और इकट्ठा पैसा मिला है, तो ऐसे रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट होंगी। एंट्रेंस फीस को अकॉर्डिंग टू नेचर है, ठीक। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन होंगी उन इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि एंट्रेंस फीस आपकी कैपिटल नेचर की है या रिवेन्यू नेचर की है, ठीक है। वैसे क्लब में एंट्री करने के लिए क्लब मेंबर्स को एक ही बार पैसा देना पड़ता है एंट्रेंस फीस, तो नॉर्मली इसको थियोरेटिकली कैपिटल शिफ्ट माना जाता है, ठीक। लेकिन हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो न्यूमेरिकल्स में देखा गया है कि इसको रेवेन्यू शिफ्ट की तरह ही लिया गया है, तो इसको आप रेवेन्यू शिफ्ट लेंगे जब तक कि कोई और इंफॉर्मेशन ना हो। लाइफ मेंबरशिप, नाम में ही दिख रहा है लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ में एक ही बार मिलेगी। मेंबर आ गया, उसने पैसे इकट्ठे दे दिए क्लब को कि भाई 2.5 लाख रुपए आपकी लाइफ मेंबरशिप फीस लगेगी, उसके बाद तो क्लब ने उसको सर्व करना है, ठीक, पूरी लाइफ। तो उससे जो पैसा मिला वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। ये सी और आर आप अमाउंट वाले कॉलम में लिखें तो बेटर रहेगा बेटा, सफाई रहेगी। एंडोमेंट फंड इज ऑल्सो ए कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि ये भी रूटीन में होने वाली इनकम नहीं है। हाँ जी, डोनेशन मैंने बोला था ऊपर कि रिवेन्यू है, लेकिन अगर डोनेशन या सब्सक्रिप्शन किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिलता है तो उसको बोल देते हैं स्पेशल स्पेशल डोनेशन या स्पेशल सब्सक्रिप्शन, ठीक। तो वो डोनेशन क्लब उसे अपनी इनकम की तरह नहीं ले सकता, क्योंकि वो पैसा उसी पर्पस में खर्च किया जाएगा जिस पर्पस के लिए वो डोनेशन मिला है। डोनेशन फॉर क्या है बेटा? बिल्डिंग। तो ये हो गया आपका कैपिटल रिसिप्ट, ये भी लायबिलिटी का पार्ट बन जाएगा क्योंकि ये वहीं पर खर्च होना है, हमारे इनकम के तौर पे से नहीं ले सकते। टूर्नामेंट फंड, ये जो फंड का पैसा मिला है ये टूर्नामेंट में खर्च करने के लिए मिला है, तो ये भी कैपिटल शिफ्ट हुआ, ये भी कैपिटल शिफ्ट हुआ, ये भी लायबिलिटी का पार्ट बन जाता है बेटा, ठीक है, ये भी लायबिलिटी का पार्ट बन जाता है। टूर्नामेंट फंड हो गया। लोकर रेंट, क्लब के लोकर्स किराए पर जाते रहते हैं, रूटीन इनकम होती रहती है, तो ये रिवेन्यू शिफ्ट हो गया। लोकर रेंट इज ए रिवेन्यू शिफ्ट। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रूटीन इनकम है, रिवेन्यू शिफ्ट। एसेट आपने बेच दी, आपने अपनी कोई मशीन बेच दी, आपका कोई बड़ा फर्नीचर था वो खराब होने को आया या पुराना हो गया था, आउटडेटेड हो गया था, आपने मॉडिफिकेशन करने के लिए, ठीक है ना, और आपने पुराना फर्नीचर निकाल दिया, ठीक, तो ये भी कैपिटल शिफ्ट मानी जाएगी। लेकिन रद्दी को बेचना, सेल ऑफ न्यूज़पेपर है, रद्दी को बेचना इज रिवेन्यू इनकम। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो इज रेवेन्यू इनकम। चैरिटी शो नॉर्मली चलते रहते हैं, उससे जो पैसा मिलेगा उसके लिए पैसा नहीं मिला, चैरिटी शो कराया, ठीक, उससे हमें पैसा मिला। डिविडेंड रिसीव्ड रेवेन्यू, इंटरेस्ट रिसीव्ड रेवेन्यू, मिसलिनियस रिसीव्ड रेवेन्यू। गवर्नमेंट ग्रांट अगर किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए मिलता है कि आपको यहीं पे खर्च करना है तो वो कैपिटल है, अदरवाइज ये रेवेन्यू है। किराया मिला, ये रेवेन्यू है, ये आपकी सब रूटीन इनकम है। अब हम आते हैं बेटा पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड पहले से ही फॉर्मेट के अंदर बाइफर्केटेड है कि ये
कैपिटल पेमेंट है, क्योंकि इनको खरीदने में या इन चीजों पर जो खर्चा किया जाएगा वो होगा कैपिटल पेमेंट। आप पढ़ लीजिए बेटा, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, इन्वेस्टमेंट है, टूर्नामेंट के ऊपर खर्च किया अगर टूर्नामेंट फंड बना हुआ है, अदरवाइज टूर्नामेंट एक्सपेंस आपका रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाता है। स्पोर्ट्स एक्सपेंस आपका रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाता है, लेकिन अगर टूर्नामेंट फंड बन गया तो ये कैपिटल नेचर का बन जाएगा और टूर्नामेंट फंड में से ही माइनस होगा। फिलहाल आपको सिर्फ जानना है कि टूर्नामेंट एक्सपेंस रेवेन्यू भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। स्पोर्ट्स एक्सपेंस रेवेन्यू भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। जब इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये चैप्टर बिल्कुल भी हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत आसान, मजेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, ठीक। हाँ, अगर आप बुक्स परचेज करते हैं तो बुक्स ऐसा नहीं होता कि आपने पढ़ लिया और उसके बाद वो रद्दी बन गया अखबार की तरह, ऐसा नहीं है। बुक्स आर फॉर एवर, बुक्स कई साल तक काम आते हैं, सालों साल काम आते हैं, इसलिए बुक्स हमारी एसेट होती हैं। एसेट को खरीदेंगे, फिक्स एसेट को खरीदेंगे तो वो सारी की सारी पेमेंट कौन सी होंगी बेटा? कैपिटल पेमेंट होगी। तो बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बुक्स, ये सब हमारी कैपिटल पेमेंट है। ये दोनों रिवेन्यू कैपिटल दोनों हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। हम अगर सैलरी पे करते हैं, ठीक, अगर हम सैलरी पे करते हैं तो ये हमारी रिवेन्यू पेमेंट है। अगर हम ऑनोरेरियम पे करते हैं, ऑनोरेरियम क्लब का सेक्रेटरी आ गया या हमने सिटी का कोई ऑनरेबल पर्सन बुलाया और उसके ऑनर में जो खर्चा किया, उनके ऑनर में जो स्पेशल खर्चा हुआ वो ऑनोरेरियम कहलाता है बेटा। या हमने किसी से कोई लेक्चर डिलीवर कराया और उसको ऑनरेरियम हमने कोई पेमेंट कर दी, ये भी ऑनोरेरियम का पार्ट बन जाता है। ये हमारा खर्चा है और ये रूटीन खर्चा है, ये सब रिवेन्यू नेचर के हैं। मैं आर लिख देता हूँ, कोई ऐसी डिस्प्यूटेड आइटम ना हो जो रिवेन्यू पेमेंट के अंदर ना आती हो, इसलिए मैं लिख देता हूँ। रेंट एंड टैक्सेस नॉर्मल पेमेंट है, प्रिंटिंग स्टेशनरी नॉर्मल पेमेंट, एडवर्टाइजमेंट कराता है क्लब कोई नॉर्मल है, बिजली का खर्चा इंश्योरेंस कराता है, पोस्टेज, ऑडिट फीस भी नॉर्मल है। सर ये ऑडिट फीस क्या है? देखो, जो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इनका कंटिन्यूअस ऑडिट सीए के थ्रू होता है, ठीक, और उस ऑडिट का जो खर्चा इन्हें सहन करना पड़ता है वो रूटीन है, ठीक। इनको कराना ही पड़ेगा ऑडिट, तभी गवर्नमेंट मानती है कि आपने सोसाइटी पर इतना खर्च किया और आप जेन्युइन हो, तो वो ऑडिट फीस भी आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। म्यूनिसिपल टैक्स, आप किसी म्यूनिसिपैलिटी की ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं बेटा तो उसके डिफरेंट डिफरेंट जो टैक्सेस होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे, रूटीन आपका खर्चा है ये। प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, आप ऑनर करते रहते हैं, कभी आपने बच्चों के सम्मान समारोह के लिए आपने कोई, मतलब बच्चों का सम्मान करने के लिए आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, उसमें बच्चों का आपने सम्मान कर दिया है, शील्ड उनको बांट दिए, मेडल्स दे दिए या कोई गिफ्ट दे दिया है, तो ये नॉर्मल खर्चा कहलाता है। चैरिटी शो एक्सपेंसेस, जो चैरिटी शो आप करा रहे थे, प्रोसीड्स को आपने इनकम माना, उसके खर्चे को आप एक्सपेंस मानेंगे, रूटीन खर्चा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस एक्सपेंसेस रूटीन खर्चा है, ठीक। इधर की सारी रिसिप्ट का टोटल करेंगे यहां लिखेंगे, रिसिप्ट का टोटल करेंगे यहां लिखेंगे और यहां लिख के सारे खर्चे माइनस कर देंगे तो बैलेंस आ जाएगा कैश वाला कैश में, बैंक वाला बैंक में, और टोटल हमारे पास कैश इतना बचा, ये आपका बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। आज आप क्या करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आइटम्स का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सी आइटम्स रूटीन नेचर की हैं, इनके रेवेन्यू नेचर की हैं, आर हैं, और कौन कौन सी जो आइटम्स हैं वो कैपिटल नेचर की हैं, चाहे वो रिसिप्ट साइड की हो चाहे वो पेमेंट साइड की हो। बहुत अच्छे से उनको स्टडी करना है, इतने अच्छे से स्टडी करना है कि वो भूल ना पाए, ठीक है। प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, प्रॉब्लम सारी सॉल्व होंगी, उसके लिए आप टेंशन ना लो, सब की सब प्रॉब्लम सॉल्व होंगी।